टेक्नोलॉजी से जुड़े और भी वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे चैनल गुड फॉर नथिंग हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्यूचर में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो क्या आप भी मेरी ही तरह व्हाट्सएप यूजर हैं? तो आपको बता दूं कि आपके जो व्हाट्सएप का डेटा है, जो हिस्ट्री है, वो बहुत ही जल्द डिलीट हो जाएगी। जी हाँ, अभी तक क्या होता आ रहा था कि आपके मोबाइल में जो आप व्हाट्सएप यूज करते थे उसका डेटा आपके मोबाइल में ऑफलाइन ही स्टोर रहता था, लेकिन अब से क्या होगा कि आपका जितना भी डेटा है, वीडियोस है, फोटोज है, चैट्स हैं, सारी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर रहेंगी, मींस गूगल ड्राइव पे। व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव के बीच में टाइप हुआ है जिससे कि आपका जितना भी स्टोरेज है, डेटा है, वो सारा गूगल ड्राइव पे अपलोडेड रहेगा। वैसे तो गूगल ड्राइव पे व्हाट्सएप डेटा अपलोड करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तक क्या होता आता था, जो भी आप डेटा अपलोड करते थे वो गूगल ड्राइव की 15 GB स्पेस में कंज्यूम होता था। और अब से गूगल और व्हाट्सएप के बीच में जो नया करार हुआ है उसके अंतर्गत आप जो भी डेटा अपलोड करोगे वो 15 GB स्पेस में काउंट नहीं होगा, मींस कि आप अनलिमिटेड डाटा अपलोड कर सकते हो व्हाट्सएप का। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है उन दोस्तों के लिए जो अपना डेटा अप टू डेट रखना चाहते हैं और खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन किन लोगों का वीडियो और डेटा डिलीट हो जाएगा? जिन्होंने पिछले एक साल से अब तक कोई रीसेंट अपलोड नहीं किया है और उनका पुराना जितना भी डेटा है ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे, वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाके आज ही अपना डेटा जो है वो बैकअप कर ले, जिससे कि आपका पुराना डेटा डिलीट ना हो। वैसे तो ये बात सभी जानते हैं कि इंडिया में हाई स्पीड इंटरनेट सभी के पास उपलब्ध नहीं है, और ऐसे में जो आपका डेटा है वो अपलोड हो गूगल ड्राइव पे थोड़ा इशू हो सकता है। वीडियोस, फोटोज बहुत लंबी लंबी फाइल हो जाती है, तो मोबाइल डेटा ना यूज़ करते हुए जहाँ पे आपको वाईफाई एक्सेस हो वहाँ पे ही आप अपलोड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, जिससे आपका जो मोबाइल का डेटा है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा और आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा तो इसमें यही ओपिनियन है कि ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि आपका जितना भी डेटा है वो ऑनलाइन स्टोर रहेगा। अभी तक क्या परेशानी आती थी कि जैसे अगर मैं कोई भी चैट कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल में डेटा सारा सेव रहता था, लेकिन अगर मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया तो मेरी जितनी भी चैट हिस्ट्री थी वो डिलीट हो जाती थी। लेकिन अब जब मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लूँगा अनलिमिटेड स्टोरेज होने के कारण, तो मैं आराम से डेली अपलोड कर सकता हूँ अपना डेटा, जिससे मेरे को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होगा कि मेरी जितनी भी चैट्स हैं वो नहीं खोएंगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इस बारे में जान पाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ वो मिल सकें।